आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डी मॉर्गन्स थ्योरम के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। डी मॉर्गन्स थ्योरम जो है, उन्होंने दो थ्योरम दिया था। तो उनका पहला थ्योरम यह कहलाता है कि ए प्लस बी का जो कम्प्लीमेंट होगा वो इक्वल होगा ए कम्प्लीमेंट डॉट बी कम्प्लीमेंट का। तो उनका पहला थ्योरम यही था कि ए प्लस बी का जो कम्प्लीमेंट होगा वो इक्वल होगा ए कम्प्लीमेंट डॉट बी कम्प्लीमेंट का। तो अब हम इसको सर्किट डायग्राम में देखते हैं कि ये कैसे होता है। तो हमको ए प्लस बी मतलब कि और गेट चाहिए, और गेट प्लस नॉट गेट, तभी ये ए प्लस बी का कम्प्लीमेंट मिलेगा। तो हमको पहले ए प्लस बी ड्रॉ कर लेते हैं कुछ इस तरह से, और गेट बनाएंगे। अब हमें नॉट गेट चाहिए। तो अब हम देखेंगे कि हमें ए प्लस बी का कम्प्लीमेंट मिल गया है, और ये जो होगा ए बार डॉट बी बार के इक्वल होगा। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, पहले तो हमें ए और बी का दो इनपुट चाहिए जो कि कम्प्लीमेंट हो। तो हमें नॉट गेट लगाना होगा। अब हमें एंड गेट चाहिए ताकि प्रोडक्ट निकल पाए, और हम देखेंगे कि जो मेरा आउटपुट होगा वो ए बार डॉट बी बार होगा। तो अब हम यहाँ देख सकते हैं कि ये जो ए बार ए प्लस बी बार का कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए बार डॉट बी बार था, उसका हमने सर्किट डायग्राम बना लिया है। तो अब हम इसका डिफिनेशन पे जाते हैं। तो डी मॉर्गन्स थ्योरम का जो फर्स्ट डिफिनेशन था, उन्होंने कहा था कि इट स्टेट दैट द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सम इक्वल्स द प्रोडक्ट। इनका कहने का मतलब है कि ए प्लस बी का जो कम्प्लीमेंट होगा वह इक्वल होगा ए बार डॉट बी बार का। तो यह इनका पहला थ्योरम था जिसको हमने सर्किट डायग्राम से भी देखा। अब हम दूसरा थ्योरम में जाते हैं। तो डी मॉर्गन्स का जो दूसरा थ्योरम है वह यही कहता है कि ए डॉट बी बार का जो कम्प्लीमेंट होगा वो इक्वल होगा ए बार प्लस बी बार का। यह डी मॉर्गन्स का दूसरा थ्योरम कहलाता है। तो अब हम इसको सर्किट डायग्राम में देखते हैं कि यह कैसे होता है। तो ए डॉट बी है तो जाहिर सी बात है हमें एंड गेट चाहिए, और कम्प्लीमेंट है तो हमें नॉट गेट भी चाहिए। तो पहले तो हमें एंड गेट कुछ इस तरह से, फिर हमें कॉम्प्लीमेंट के लिए नॉट गेट ए बी। तो हमें देखेंगे कि आउटपुट में जो हमें ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट मिल गया है। अब हमको ए बार प्लस बी बार निकालना है, तो हमें पहले दो इनपुट लेना होगा, और कॉम्प्लीमेंट के लिए हमें नॉट गेट लगाना होगा। तो ये हमने लगा दिया। तो अब हमें और गेट चाहिए। तो हम देखेंगे कि आउटपुट में जो हमें मिलेगा वह ए बार प्लस बी बार मिल जाएगा। तो अब हम इसको देख सकते हैं कि जो ए डॉट बी बार का कम्प्लीमेंट था वह ए बार प्लस बी बार को हमने सर्किट डायग्राम में ड्रॉ कर दिया। तो अब जो इसका डिफिनेशन होता है वो होता है इट स्टेट्स दैट द कॉम्प्लीमेंट ऑफ प्रोडक्ट इक्वल्स द सम। इसका कहने का मतलब है कि ए डॉट बी का जो कम्प्लीमेंट होगा
वो इक्वल होगा ए बार प्लस बी बार का। तो ये तो हुआ डिमॉर्गन्स थ्योरम का दूसरा थ्योरम। तो अब हम इन दोनों थ्योरम का प्रूफ को देखेंगे कि ये जो ए डॉट बी बार का कंप्लीमेंट है वो ए बार प्लस बी बार पे वेरीफाई है कि नहीं। और उसी तरह ए प्लस बी बार का जो कंप्लीमेंट है वह इक्वल हो रहा है कि नहीं ए बार डॉट बी बार के। तो इन सभी का प्रूफ को देखने के लिए हमें ट्रूथ टेबल का सहारा लेना होगा। तो चलिए देखते हैं ट्रूथ टेबल बना के कि दोनों थ्योरम जो है वो प्रूफ हो रहा है कि नहीं। तो हम पहला थ्योरम जो है उसको प्रूफ करेंगे, जो मेरा था ए प्लस बी बार का कंप्लीमेंट जो इक्वल होगा ए कंप्लीमेंट डॉट बी कंप्लीमेंट। तो ट्रूथ टेबल को ड्रॉ कर लेते हैं। कुछ इस तरह से हमें ए की ज़रूरत पड़ेगी, बी की ज़रूरत पड़ेगी, ए बार की, बी बार की, ए प्लस बी ए प्लस बी बार और ए बार डॉट बी बार। तो जैसे कि हम जानते हैं कि जो इसका होता है ऑर्डर लिखने का वो 0 0 1 1, 0 1 0 1। तब हम देखेंगे कि ए का कंप्लीमेंट, ए में 0 है यहाँ तो इसका कंप्लीमेंट 1 हो जाएगा, 0 है यहाँ तो 1, 1 है तो 0 और 1 है तो 0। उसी तरह से हम 0 है तो 1, 1 है तो 0 और 0 है तो 1 और 1 है तो 0। अब ए प्लस बी निकालेंगे, ए प्लस बी तो 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0, 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1, 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 1 और 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 1। अब 1 प्लस बी का कंप्लीमेंट जब हम देखेंगे इसका कंप्लीमेंट तो इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, 1 0 0 और 0। ए कंप्लीमेंट डॉट बी कंप्लीमेंट अब हम निकालते हैं। तो इसको अगर इसको डॉट कराएं, इंटू कराएं तो हमें ए कंप्लीमेंट डॉट बी कंप्लीमेंट मिल जाएगा। तो 1 इंटू 1 इज 1, 1 इंटू 0 इज इक्वल टू 0 और 0 इंटू 1 इज इक्वल टू 0 और 0 इंटू 0 इज इक्वल टू 0। तो पहला थ्योरम जो है उनका कहलाता है ए प्लस बी बार का जो कंप्लीमेंट होगा वो इक्वल होगा ए बार डॉट बी बार के। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि ए प्लस बी बार का जो कंप्लीमेंट है वो बराबर है ए बार डॉट बी बार के, दोनों का जो वैल्यू है वो सेम आया है। तो हम कह सकते हैं कि डी मॉर्गन थ्योरम का जो पहला थ्योरम है वो प्रूव हो गया। तो अब हम डी मॉर्गन थ्योरम का दूसरा थ्योरम को प्रूव करेंगे। उनका दूसरा थ्योरम जो है यह कहता है कि ए डॉट बी का जो कंप्लीमेंट होगा वो इक्वल होगा ए बार प्लस बी बार का। तो अब हम डी मॉर्गन थ्योरम का दूसरा थ्योरम को बाय द हेल्प ऑफ ट्रूथ टेबल ये प्रूव करेंगे कि यह इक्वल होता है इतना का। तो पहले ट्रूथ टेबल को ड्रॉ करते हैं। कुछ इस तरह से पहले ए फिर बी फिर ए बार फिर बी बार फिर ए डॉट बी फिर ए डॉट बी का बार फिर ए बार प्लस बी बार। अब हम जैसे कि जानते हैं यहाँ 0 0 1 1 0 1 0 1। अब ए का कंप्लीमेंट है तो 1 1 0 0, बी का कंप्लीमेंट है 1 0 1 0। अब ए डॉट बी है तो ए डॉट बी अगर इसको इंटू कराएं तो 0 0 इंटू 1 इज इक्वल टू 0, 1 इंटू 0 इज इक्वल टू 0, 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1। अब जस्ट इसका कंप्लीमेंट, तो कंप्लीमेंट में क्या होता है इसका अपोजिट हो जाता है, 0 है तो 1,
जीरो है तो वन, जीरो है तो वन और वन है तो जीरो। अब ए बार प्लस बी बार का हमें निकालना है, तो ए बार प्लस बी बार को, तो वन प्लस वन इजिक्वल टू वन, वन प्लस जीरो इजिक्वल टू वन, और जीरो प्लस वन इजिक्वल टू वन, और जीरो प्लस जीरो, जीरो प्लस वन इजिक्वल टू वन, और जीरो प्लस जीरो इजिक्वल टू जीरो। तो दूसरा थ्योरम यह कहता था कि ए डॉट बी बार का जो कंप्लीमेंट होगा वो इक्वल होगा ए बार प्लस बी बार के। तो इस थ्योरम इसमें हम देख सकते हैं कि ए डॉट बी बार जो है वो इक्वल है ए बार प्लस बी बार के, जैसे कि यहाँ दोनों वैल्यू जो है सेम आ गया, वन वन, वन वन, वन वन और जीरो जीरो। तो इस ट्रूथ टेबल से हम ये प्रूव कर लिए कि डी मॉर्गन्स का जो थ्योरम है, दूसरा थ्योरम है, वो भी प्रूव हो गया कि ए डॉट बी बार जो होता है वो इक्वल होता है ए बार प्लस बी बार के। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो, तो लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।